अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू साइबर मैक्स एकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। पार्ट 1 देखिए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इस पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है वो हमने बतानी है इस क्वेश्चन में। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखिए, हमने इन नंबर्स की जो रीअरेंज करके बी प्लस ए लिख दिया है, आंसर दोनों साइड्स का सेम ही आएगा। तो इसमें हम कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे? कामोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी हमने नंबर्स की तरतीब चेंज की है। दो नंबर्स हैं हमारे पास, हमने उन नंबर्स की तरतीब चेंज की है, लेकिन फिर भी प्लस करने से आंसर जो है वो सेम आएगा। जी, सेकंड पार्ट, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। इसमें हम देखते हैं तीन नंबर्स यूज हुए हैं। यहाँ पर ए बी को हम दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ये होगी अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में पहले बी और सी, यानी सेकंड और थर्ड नंबर को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आया होगा उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी राइट हैंड साइड। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड्स का आंसर हमारा सेम आता है। ए बी सी की जगह पर आप कोई डिजिट जो है लेकर इसको देख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर दरमियान में प्लस का साइन होता तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहना था। अब चूंकि तीनों नंबर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो वही रियल डिजिट जो है वो आंसर आता है। इस प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फोर्थ पार्ट देखिए, ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर हम दो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर देखिए वही दो डिजिट्स हैं लेकिन उनका हमने उनकी तरतीब चेंज कर दी है, रीअरेंज कर दिया है। ए को बी से मल्टीप्लाई करें फिर भी वही आंसर आएगा, अगर बी को ए से मल्टीप्लाई करें फिर भी आंसर वही आएगा। तो हम कहेंगे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन यूज हुई है। फिफ्थ पार्ट देखिए, एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज लेस देन वाई। कोई भी नंबर, फर्ज कर लें दो नंबर्स हैं आपके पास, दो डिजिट्स हैं, उन दोनों डिजिट्स में से एक नंबर दूसरे से या बड़ा होगा, या वो दोनों नंबर इक्वल होंगे, या उनमें से एक नंबर दूसरे से छोटा होगा। तो ये हमारी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। सिक्स पार्ट देखिए, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। बड़े दिल वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं कि a इज इक्वल टू बी कैसे आया। हमने c इधर से भी कैंसिल किया और इधर से भी कैंसिल किया,
तब हमारे पास a इज इक्वल टू बी आया। तो इसमें कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन यूज हुई है। सेवन्थ पार्ट देखिए, 5 + -5 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि 5 के अंदर हम कौन सा नंबर प्लस करते हैं कि हमारे पास यहाँ आंसर 0 आता है, वो नंबर है -5, विच इज़ द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। सो हम कहेंगे कि इस पार्ट में एडिटिव इनवर्स यूज़ हुआ है। एट्थ पार्ट देखिए, 7 × 1/7 इज इक्वल टू 1। 7 नंबर को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास आंसर 1 आए। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब 7 को हम 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ 1 आता है। 1/7 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7। 9th पार्ट देखिए, a इज ग्रेटर देन b। दिस इम्प्लाइज ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, वेयर सी इज ग्रेटर देन 0। ए इज ग्रेटर देन बी, हम यहाँ से देखते हैं कि ए सी हमारे पास कैसे आया और यहाँ पर बी सी कैसे आया। हमने दोनों साइड्स को सी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ए सी इज ग्रेटर देन बी सी आया। सी से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों साइड्स को तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए कि अगर हम सी को लेस देन 0 लेते हैं, सी अगर 0 से छोटा हो तो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर हमने सी के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ सी लेस देन 0 हो तो ये साइन जो है ये चेंज हो जाता है। ये पेपर में अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज। (3x + 3)(y − x) जी, इसको हम सॉल्व करते हैं आगे और जो फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई हैं उसको फिल करते जाएंगे। यहाँ से देखिए कि 3 ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अंदर वाली दोनों रकमों से भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर हमने 3x उसी तरह लिखा, ये 3y − 3x लिखा। तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हुई है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद देखें कि हम इस 3x को यहाँ पर ले आए हैं और 3y को यहाँ पर लिखा है, वो इसलिए कि हम इन दोनों 3x − 3x को इकट्ठा लिखने के बाद आपस में कैंसिल कर सकें। अब हमने चूँकि इन कोई तरतीब चेंज की है तो इसमें कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब यहाँ पर देखिए कि -3x 3x का एडिटिव इनवर्स है। क्या है?
एडिटिव इनवर्स। तो हम इन दोनों को कैंसिल करने के बाद यहाँ पर ज़ीरो लिखेंगे। अगर कैंसिल करना नहीं कहना तो आप यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों को जब प्लस किया आपस में, 3x प्लस माइनस 3x, तो यहाँ पर ज़ीरो आया हमारे पास। उसके बाद 0 + 3y = 3y, ये क्या है? ज़ीरो हमारे पास क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा नंबर जिसको हम किसी नंबर में प्लस करें तो वही नंबर हमारे पास आंसर आ जाए। तो ज़ीरो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ हुआ यहाँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी आइडेंटिटी इन क्वेश्चंस में यूज हुई है। √24 + 0 = √24। इसमें देखिए कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसको हम इस नंबर में प्लस करते हैं तो वही नंबर आंसर आ रहा है। तो 0 जो है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी है। पार्ट 2 में देखिए, −2/3 × 5 + 7/2। यहाँ हम देखते हैं कि −2/3 5 से, उसके बाद 7/2 से बारी बारी मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट देखिए, π + −π = 0। −π ऐसा नंबर है जिसको हम पाई में प्लस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आंसर आया है। तो −π को हम पाई का एडिटिव इन्वर्स कहेंगे। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में √3 और √3 दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। √3 भी रियल नंबर है और ये वाला √3 भी रियल नंबर है। जब हमने दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर भी रियल नंबर ही आया। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फिफ्थ पार्ट देखिए, −5/8 × −8/5 = 1। −8/5 ऐसा नंबर है जिसको हमने −5/8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आया। तो हम देखते हैं कि −8/5 इज़ द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ −5/8। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने मेरे लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।